जन्नत जुबेर रहमानी टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, अपने पिता का सपना पूरा किया और आज वो अपने सपने को भी पूरा करती हुई सामने आ रही हैं। बता दें आप सभी को कि जन्नत जुबेर रहमानी अभी 17 साल की ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अब मेन लीड का किरदार करती हुई भी सामने आने लगी है, जहां आज के वक्त में उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है ट्रेंड में आती हुई। तो वही टिकटॉक में भी वो आगे बढ़ती जा रही हैं, जहां इस हद तक उन्होंने पॉपुलैरिटी यहां ग्रैब कर ली है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक वीडियो में भी अब लेकर आने की कोशिश में है हर कोई। जहां पर अब वो नजर आई थी कुछ वक्त पहले ही फैजल खान, जो कि टीम 07 टिकटॉक के फेमस ग्रुप के एक मेंबर हैं, इनका नाम फैजू के नाम से ज्यादा मशहूर है, और जन्नत जुबेर रहमानी उनके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इनका बर्थडे भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, जहां जन्नत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी और खूब पॉपुलैरिटी बटोरती हुई दिखाई दे रही थी। बता दें कि इन सभी से पहले जन्नत को देखा जा चुका है पहली बार मेन लीड के किरदार में एक शो में। शो का नाम था तू आशिकी, जहां से इन्होंने पॉपुलैरिटी तो खूब हासिल की थी, लेकिन हासिल की थी इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी भी, क्योंकि यहां शो के मेकर्स चाहते थे कि मेल लीड के साथ जन्नत जुबेर रहमानी यहां पर किसिंग का एक सीन फिल्मा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जन्नत की मां ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो वहीं इस बात पर खूब हंगामा भी खड़ा हो गया था कि जन्नत के साथ जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन जब ये बात मीडिया में सामने आई तो शो के मेकर्स इस बात से पूरी तरह से मुकर गए कि कोई भी जबरदस्ती की गई है। लेकिन यहां बात इस हद तक आगे भी जरूर बढ़ चुकी थी कि शो से उन्हें निकालने की पूरी तरह से शो के मेकर्स कोशिश कर रहे थे, और यहां देखने को मिला था कि ऑडिशन भी लिए जाने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी शो में टिकी रही जन्नत। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि जन्नत की आखिर अभी तक के करियर की क्या जर्नी रही है, उन्होंने कौन से सीरियल में काम किया है और कौन सी फिल्मों में। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। जन्नत ने साल 2010 में 8 साल की उम्र में डेब्यू किया था। शो का नाम था दिल मिल गए, जिसके बाद उन्होंने अंतरा, अलादीन, चांद के पार चलो, काशी अब ना रहे, तेरा कागज कोरा, माती की बन्नो। तो वहीं साल 2011 और 12 में उन्होंने शो फुलवा किया, जिससे उन्हें ज्यादा पहचान हासिल हुई और साथ में वो शो करती हुई नजर आई जीत। साल 2014 में उन्हें फिर काम मिला सीरियल महाराणा प्रताप में। साल 2015 में सियासत और एक कहानी शो में वो नजर आने लगी। साल 2016 में उन्होंने मेरी आवाज ही मेरी पहचान है शो में काम किया। साल 2017 में नजर आई वो सीरियल शनि में, लेकिन साल 2017 में कलर्स पर नया शो टेलीकास्ट किया गया। शो का नाम तू आशिकी, जिसमें मेन फीमेल लीड का किरदार अदा करती हुई जन्नत को देखा गया। बता दें आप सभी को कि सीरियल से हटकर उन्होंने काम किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी। मूवीज का नाम रहा है आगा, लव का दी एंड, जिसमें दोनों में ही उनका साइड रोल थे। उन्होंने सलमान खान के साथ भी काम करने का हमेशा से सपना देखा, जिसे वो पूरा करती हुई भी सामने आई। उन्हें उनके सीरियल फुलवा के लिए इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला, तो वहीं फोर्थ ब्रूनो प्लस गोल्ड अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। तो दोस्तों ये थी जन्नत जुबेर रहमानी की ब्यूटीफुल सी जर्नी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।